अरे बाप रे, 8 बज गए, ये तो लेट हो जाएंगे। पायल, अरे पायल उठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पायल उठो। अनिल जी, सॉरी आज नाश्ता बनाने में लेट हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा। अरे वाह, तुमने नाश्ता भी बना दिया, क्या बात है। अरे उठो, देखो पायल, देख रही हो तुम, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से, आते ही घर संभाल लिया इसने। कुसुम, मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, आज मैं नाश्ता ऑफिस में करूंगा, कल हम साथ में करेंगे, ठीक है? पक्का, बाय। कुसुम, तुम ये सब क्यों कर रही हो? शादी से पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी, अचानक से इतनी केयर क्यों? दीदी, वो बस मेरी आंखें ना जल्दी खुल गई थी, मैंने सोचा नाश्ता बना लूं, और आप इतनी गहरी नींद में सो रही थी ना, मेरा उठाने का मन ही नहीं किया। हाँ, लेकिन तुम्हारी वजह से अनिल मुझे ताना मार कर चले गए ना। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपको निशा देखना पड़े? दीदी, मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हो जो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं बस आप लोगों का ख्याल रखना चाहती थी और कुछ नहीं। और वैसे भी दीदी, सबसे ज्यादा हक अनिल जी पर आपका है, और उन्होंने मुझसे शादी तो सिर्फ आपको पाने के लिए की है, तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, वैसे ये बात तो तुम्हारी सही है, इतना प्यार करने वाला लड़का नसीब से मिलता है, तभी तो मुझे पाने की खातिर उन्होंने तुमसे शादी करने वाली शर्त भी मान ली। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करो, और उठो जल्दी से, फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करो। और ये याद रखना, हमने जो कसम खाई थी साथ रहने की, कभी नहीं टूटेगी दीदी। पायल, मैं जा रहा हूँ। अनिल रुको, ये आपका रुमाल और पर्स। लेट हो गया। अनिल जी, ये लीजिए आपका टिफिन। कुसुम, तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। दीदी, आपने बुलाया? हाँ, अच्छा सुनो ना, मैं अपने कपड़े अनिल की कपाट में एडजस्ट कर रही हूँ। एक काम करो ना, तुम भी अपना बैग ले जाकर ऊपर एडजस्ट कर लो। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए। क्या हुआ, ले जाओ अपना बैग। ठीक है दीदी। अनिल जी, पानी। कुसुम, तुम वो दीदी कमरे में आराम कर रही हैं, शायद उनके सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप कमरे में जाए उसके पहले। हाँ नहीं, अच्छा किया तुमने, वरना मैं खामखा उसे डिस्टर्ब कर देता। अगर आपको फ्रेश होना है तो आप मेरा कमरा यूज कर सकते हैं, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तो शाम में थोड़ा हैवी हो गया था नाश्ता मेरा, तो मैं आराम ही करूँगा अभी।
अच्छा हाँ ठीक है। लगता है आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। कुसुम देखो ना, इतनी देर हो गई है, अनिल अभी तक नहीं आए और ना ही मेरा फोन उठा रहे। तुम्हें कुछ बताया क्या उन्होंने? दीदी अनिल जी तो कब कहाँ आ गए? हाँ वो बहुत थक गए थे इसलिए मेरे कमरे में आराम कर रहे हैं। दीदी अनिल जी सो रहे हैं। कुसुम अनिल आ गए थे तो तुमने मुझे बताया तक नहीं? दीदी अनिल जी बहुत थक गए थे, वो डायरेक्टली कमरे में आकर सो गए, खाना खाने से भी इनकार कर दिया, इसी चक्कर में मैं भूल गई। अनिल जी के कमरे से मुझे निकाला तो अब अनिल जी का कमरा ही बदल दिया मैंने। दीदी हेलो रमेश, बोल भाई। अरे क्या यार, शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं और अभी ट्रीट भी नहीं दे रहा है। अबे मेरे भाई चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर नहीं मेरे भाई, दूंगा ट्रीट मैं, और ऑफिस में मिलते हैं ना फिर वहां बात करेंगे। चल आ जा ऑफिस। बाय बाय। सबको बस भाभी जी से मिलना है।
भाभी जी से मिलाओ, भाभी जी से मिलाओ। आखिर प्रॉब्लम क्या है, बुला लो ना घर। प्रॉब्लम क्या है ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना हमारी शादी कैसे हुई है? दो दो बीवियां हैं मेरी, ये बात सिर्फ मुझे और तुम दोनों को पता है। अगर बाहर किसी को पता चल गया ना तो रहना मुश्किल हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुम आज घर पर जल्दी आ जाओ, ठीक है? अरे रमेश तू? अबे अंदर भी नहीं बुलाएगा क्या? हाँ आजा, क्यों नहीं यार, चल। अरे बुला ले यार भाभी जी को, कहाँ छुपा रखा है भाभी जी को? भाभी जी आ रही, आ रही, आ रही बाबू जी। यार नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये आपके लिए। थैंक यू। अब समझ आया, भाभी जी इतनी खूबसूरत है इसलिए तू नहीं मिलवा रहा था ना? अब तो मिल लिया ना। हाँ चला बैठते हैं। दीदी। हाँ कौन आया? कौन है भाभी जी? आपको दीदी बोल रही थी, आपकी बहन ही होगी। हाँ ये पायल की छोटी बहन है, कुसुम नाम है इनका, मेरी साली है। नमस्ते कुसुम जी, आओ बैठे। हाँ हाँ पायल तुम कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाई तू जोक बहुत मारता है सच में। अरे जोक छोड़, कुछ गाने चला, एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल चला, थोड़ा म्यूजिक चला। मेरे बिना पार्टी? रवि ये मेरा छोटा भाई है रवि, और तू बिना बताए आ गया मुझे? अगर आपको बता देता तो आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती? आपकी शादी में तो आ नहीं पाया एग्जाम की वजह से, एग्जाम जैसे ही खत्म हुए का भाई हाजिर। अच्छा गया तू, भाभी से तो मिलवाइए। हाँ हाँ आजा। ये तेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये कौन है भैया? ये पायल की छोटी बहन है कुसुम। कुसुम जी नमस्ते। चल अनिल मैं निकलता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते कुसुम, चले चल। आज तो बाल बाल बच गए पायल, कैसे संभालेंगे ये सब? आप फिक्र क्यों करते हैं? आपने कहा ना कि कुसुम आपकी साली है,
और अगर कोई कुछ बोलता है तो हम कह देंगे कि कुसुम अकेली है इसलिए वो हमारे साथ रहती है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप टेंशन मत। चलो मैं तुम्हारा सर दबा दूँ। अरे कुसुम, इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? वो पानी पीने आई थी। वैसे मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अकेलापन फील होता होगा कभी कभी, है ना? वैसे कुछ भी बात करनी हो या अकेलापन दूर करना हो तो मैं हूँ ना। नहीं थैंक यू, मुझे नींद आ रही है।